इंडियन आइडल 12 के सबसे अनुभवी जज अन्नूजी ने दिया विनर के नाम की तरफ इशारा। जी हाँ दोस्तों, सेमीफाइनल स्पेशल एपिसोड खत्म हो चुका है और आइडल को मिल चुके हैं अपने टॉप 6 कंटेस्टेंट। यानी कि इस सप्ताह कोई एविक्शन नहीं हुआ और फिनाले की रात भी हमें यही सभी कंटेस्टेंट यानी कि टॉप 6 कंटेस्टेंट दिखने वाले हैं और इन्हीं में से वो एक नाम होगा जो आइडल 12 की ट्रॉफी को थामेगा। कौन होगा वो, सभी की तरफ लोग अपने अपने कयास लगा रहे हैं, पर क्या आप जानते हैं कि अन्नू जी ने किसकी तरफ इशारा किया? तो आइए जानते हैं इस पूरी स्टोरी में। नमस्कार दोस्तों, आपने लॉग इन किया है बॉलीवुड झमेला। तो दोस्तों, अगर आपने सेमीफाइनल स्पेशल एपिसोड ध्यान से देखा तो आपने देखा होगा कि पवनदीप राजन की शानदार परफॉर्मेंस के बाद अन्नू जी मंच पर आते हैं, पवन को आशीर्वाद देते हैं और पवन को अपनी गोद में उठा लेते हैं। और ये करते हुए उन्होंने बोला था कि आइडल 12 की ट्रॉफी मेरे हाथों में है। यानी कि उन्होंने सीधा सीधा इशारा कर दिया था कि पवनदीप राजन ही इंडियन आइडल सीजन 12 के विजेता बनने वाले हैं। दोस्तों, क्या आप अन्नू जी की बात से सहमत हैं? क्या आपको भी लगता है कि पवनदीप राजन ही आइडल 12 के विजेता होंगे? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब नाउ।